तो भाई पिछले 8-10 दिन से हमारे चैनल पे जो वीडियोस है वो नहीं आ रहे थे, और उसका जो रीज़न है वो ये है कि मैं गया था दिल्ली कुछ काम से, और दिल्ली में मैंने जो मोबाइल फ़ोन मार्केट है उसे डीपली जो है एनालिसिस किया है, और बहुत सारे जो फेमस दुकानें हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं सेकेंड हैंड फ़ोन वगैरह को बेचने में, उन दुकानों में जाके मैंने पर्सनली विजिट किया है, वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदने की कोशिश किया है, उनका जो प्राइस पॉइंट है उसको देखा है, और इंटरनेट पर वो लोग जो प्राइस बताते हैं, जो गिफ्ट्स बताते हैं, और रियलिटी में उसका क्या सीन है, सारी चीज़ों को मैंने जो है वहाँ पे देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली का जो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन मार्केट है उसके बारे में डीपली बात करेंगे, और आप अगर कोई भी फ़ोन को परचेज करना चाहते हो सेकंड हैंड वो भी दिल्ली से, तो मेक श्योर ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखते रहना ताकि आपको जो प्रॉपर नॉलेज है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर कोई भी ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है जो कि दिल्ली में है। तो बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहां पे कि आपको अगर आप एक न्यू फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो वहां पे आप जाके जो है अलग अलग तरीके के जो ऑफर्स है उसको क्लेम करके वहाँ पर सस्ते दामों पर जो ब्रांड न्यू फ़ोन है उसको खरीद सकते हो। बट अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड फ़ोन के बारे में, और जो आउट ऑफ इंडिया के इम्पोर्ट किया हुआ फ़ोन है उनके बारे में। देखो बहुत सारे फ़ोन जो है इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं, और उन जो फ़ोन है उसको आउट ऑफ इंडिया से जो है इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा जाता है, और काफ़ी सस्ते दामों पे उसको जो है बेचा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। सबसे पहला जो वायरल शॉप है वो है जेजे कम्युनिकेशन, दूसरा जो जो वायरल शॉप है वो है सेकेंड मोबी हब, और तीसरा जो वायरल शॉप है वो है कैश ओ फोन। और ये जो तीनों शॉप है ना, इन तीनों शॉप के ऊपर मैंने पर्सनली विजिट किया है, और यहाँ पे आपको मैं इनका जो रियलिटी है वो बताऊंगा, गिफ्ट्स वगैरह का क्या सीन है, इनका जो प्राइस पॉइंट है उनका क्या सीन है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो तीनों शॉप्स हैं इनमें कॉमन सा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला कॉमन सा फैक्ट ये है कि इन तीनों शॉप के ऊपर में आप अपना जो वीडियोग्राफी है या फिर फोटोग्राफी है उसको कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो तीनों शॉप के ऊपर में आप अगर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करोगे तो वो अलाउड ही नहीं है, जो कि इंटरनेट पर इतने ज़्यादा फेमस शॉप है इनके अंदर में आप वीडियोस ही नहीं बना सकते हो। क्यों, क्या उसका रियलिटी है वो अभी आप थोड़ा सा डीपली समझो। तो इंटरनेट पे ये लोग बोलते हैं कि हम जो है आईफोन को इतने प्राइस के ऊपर में देंगे, ये सैमसंग के फ़ोन को इतने प्राइस के ऊपर में देंगे, बट आप अगर रियलिटी में उनके पास में जाते हो तो उनका जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होके आपको बोला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर कॉल करोगे और एक आईफोन को आप पूछोगे, ठीक है, मान के चलो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप अगर उनको कॉल किए और आईफोन कोई भी एक आईफोन का मॉडल का जो प्राइस है उसको पूछे, उन्होंने बोला 90,000, ठीक है। आप अगर शॉप के ऊपर में विजिट करके वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे उसको उस फ़ोन का जो प्राइस है उसे 92,000 बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके का वहाँ पे सीन है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा जो प्राइस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आप जिस प्राइस पॉइंट के इंटरनेट पे ऊपर में आप देख के जाओगे ना वो बिल्कुल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुझे जो है एक माइनस पॉइंट लगा इन शॉप के ऊपर में आप अगर जाते हो तो। बाकी जो रील्स वगैरह देखते हो या फिर कस्टमर को वो देते हैं ये सब बिल्कुल स्क्रिप्टेड हैं, बिल्कुल भी 110% वहाँ पे जो है स्क्रिप्टेड होता है, और ये जो प्राइस पॉइंट के ऊपर में दे रहे हैं ना ये बिल्कुल फेक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल होता है वो है गिफ्ट। यहाँ पे आप अगर कोई भी फ़ोन को ख़रीदते हो तो उसके साथ में आपको जो है गिफ्ट दिया जाता है, ये बैग दिया जाता है, ये जो है वो स्मार्ट वॉच दिया जाता है, ईयरबड्स दिया जाता है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। तो भाई ये जो गिफ्ट्स वगैरह का सीन है वो क्या है सबसे पहले आप समझो। तो ये जो स्मार्ट वॉच देते हैं ना, यही स्मार्ट वॉच जो है दिल्ली के जो मार्केट है वहाँ पे 300 रुपये में मिलता है, ठीक है। जो स्मार्ट वॉच ये भर भर के फेंक फेंक पे देते हैं ना ये 300 रुपये में मिलता है, और ये जो बैग्स बोल रहे हो ना ये जो बैग्स है ये 200 रुपये में मिलता है, ठीक है। और ये जो ईयरबड्स वगैरह है इसका प्राइस तो मैं आपको बताऊँ ही क्या, ठीक है, 200-300 रुपये का चीज़ है ये जो गिफ्ट्स वगैरह बोलते हैं, ये 200-300 रुपये का ही चीज़ है, कोई महंगा आइटम नहीं है कि कोई लग्जरी वॉच क्या फिर एक अच्छे क्वालिटी का जो बैग है वो नहीं दे रहे हैं। 200-300 रुपये में उसी दुकान के सामने आपको ये जो वॉच है, ये जो बैग्स है, ये 200-300 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने जो है देखा है, ठीक है। तो गिफ्ट्स वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, और जो जे जे कम्युनिकेशन वाले हैं वो एक स्मार्ट वॉच या फिर जो बैग है उसमें से कोई चूज करके आप जो है ले सकते हो, ये वो देते हैं। बाकी अगर जो सेकेंड मोबी हॉक है या फिर कैसो फोन है उनमें आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिलता ही नहीं है। वहाँ पे आप अगर गिफ्ट वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो बोलेंगे कि वो सैटरडे या फिर संडे को देते हैं या फिर मंडे ट्यूसडे, ऐसा कुछ दिन वगैरह बोल के आपको जो है गिफ्ट नहीं भी देंगे। तो ये सीन है।
तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि उनका बिहेवियर, ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगा, गुस्सा आया, वो है इसके ये जो शॉप है इनका बिहेवियर। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है एक कस्टमर की तरह जो है वहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप अगर पैसा लेके कुछ खरीदने जाते हो तो आपको एक रेस्पेक्टेड तरीके से आपसे बात किया जाना चाहिए, बट ये जो शॉप्स है इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है बिल्कुल ऐसे बात करेंगे कि आप फ्री में कोई लेने भीख मांगने आए हो, इस तरीके से वो बात करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि उनका जो बिहेवियर है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर कोई चीज़ को बस देखने गए हो ना, कि आप खरीदना, आपको खरीदना बाद में है, बस आपको जो कोई चीज़ अगर आपको देखना है तो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे ना, कि आप क्या बताऊँ मैं आपको यार, क्या बताऊँ। ये जो दुकानें इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं ना, बिल्कुल मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो आप समझ जाओ मैं आपको क्या और डीपली और खुल के क्या बताऊँ। यही है दिल्ली का सेकेंड हैंड मार्केट का सीन। और सबसे बड़ा जो चीज़ है बिहेवियर के ऊपर में, जो कैसो फ़ोन वाले हैं उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। बाकी सेकेंड मूवी हब और जो जे जे कम्युनिकेशन है, इन दोनों का बिहेवियर ना क्या बताऊँ मैं, इनको छोड़ो यार इसको। और जे जे कम्युनिकेशन वालों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो इनके पास में टोकन वाला सीन चलता है, ठीक है। टोकन वाला, आप अगर इनके पास में कोई भी सामान को खरीदने जाते हो तो ये जो शॉप है इनके पास में इतना भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि ये जो है टोकन प्रोवाइड करते हैं, और उस टोकन के हिसाब से आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आप वो जो शॉप है वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जो है खरीदोगे 10-15 मिनट में जो भी आपको खरीदना है, और वापस वहाँ पे निकलोगे, ठीक है। यही सीन होता है जे कम्युनिकेशन वालों का। और जो भी इनके पास में जाते हैं ना, उनको ही रियलिटी पता है, बाकी जो इंटरनेट पे देखते हैं ना, तो क्या बताऊँ। आप एक बार विजिट करो, आपको खुद पता चलेगा। आप अगर बैंक में भी 200 रुपये 300 रुपये अगर विड्रॉ करना है तो लाइन लगते हो ना टोकन लेके, ठीक उसी तरीके का यहाँ पे सीन है कि आप जो है 15 नंबर पे 60 नंबर पे आप जो है लाइन पे लगोगे और दुकान के बाहर, और आप जो है टोकन से अंदर जाओगे। ऐसे कौन खरीदेगा ऐसे दुकानों पे फ़ोन। मैं तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं फ़ोन ना खरीदूँ ऐसे दुकान पे जाके जहाँ पे कि टोकन वगैरह का सीन हो। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं ये जो तीनों दुकानें हैं इनके प्राइस पॉइंट के ऊपर में। तो इंटरनेट पे आप अगर देखते हो कि सैमसंग के फ़ोन आपको इतने सस्ते में मिलेंगे, आईफोन आपको इतने सस्ते में मिल जाएंगे, बट आप अगर रियलिटी में उनके पास में जाते हो तो वही प्राइस पॉइंट के ऊपर में आपको फ़ोन देखने को ही नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे जाके अगर ये बोल देते हो कि इंटरनेट पे मैंने इतने प्राइस के ऊपर में आईफोन देखा था, बट आप रियलिटी में इतना बता रहे हो, तो वो बोलेंगे कि वो संडे या फिर मंडे को जो है ऑफर्स देते हैं, और उन ऑफर्स पे आप जो है उतने प्राइस पॉइंट पे ले सकते हो। बाकी दिन अगर आप आते हो तो आपको जो है यही प्राइस के ऊपर में दिया जाएगा, कुछ ना कुछ कह के आपको जो है टाल के ही दिया जाएगा। और इंटरनेट पे जो प्राइस पॉइंट के ऊपर में फ़ोन को दिखाया जाता है ना, वही प्राइस पॉइंट के ऊपर में आपको किसी भी शॉप के ऊपर में जो फ़ोन है वो ही मिलेंगे, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो ना कि इतने सस्ते में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही है रियलिटी डेली मार्केट का, चाहे वो जे जे कम्युनिकेशन हो या फिर सेकेंड मूवी हब हो या फिर कैसो फोन हो। मैं डरता किसी को भी नहीं हूँ, रियलिटी यही है भाई। और आपको अगर डाउट हो रहा है ना मेरे बात के ऊपर में, तो आप जो है पर्सनली जाके विजिट करो, वहाँ पे देखो, और उसके बाद में आप आके मेरे को बताना। तो इनके बारे में मैं और क्या ही बताऊँ गाइस, यही है दिल्ली का जो सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन मार्केट है उसका रियलिटी। और दिल्ली का हमारा एक ब्लॉग सीरीज़ भी आ रहा है, जो कि हमारा प्रो राइडर चैनल है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दिल्ली का जो सीरीज़ है दिल्ली ट्रैवलिंग का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके हमारा जो दिल्ली का ट्रैवलिंग ब्लॉग है उसको जो है देख सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।